उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जंतु विभाग के राज्य मंत्री अनिल शर्मा गुरुवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने मयूर संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया और वृक्षारोपण भी किया। योगी सरकार के वन पर्यावरण एवं जंतु विभाग के राज्य मंत्री और कासगंज जिले के प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा गुरुवार को वृंदावन पहुँचे। भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद मथुरा रोड स्थित मयूर संरक्षण केंद्र गए। वहां उन्होंने मयूर संरक्षण केंद्र में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पौधारोपण भी किया। इस दौरान उनके साथ मथुरा के DFO रजनीकांत मित्तल मौजूद रहे। राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि बहुत जल्दी मयूर संरक्षण केंद्र नए रूप में नजर आएगा। इसके अलावा वन विभाग की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के बारे में उन्होंने बताया कि धीरे धीरे वन विभाग की बेशकीमती जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा रहा है। वृंदावन आने का हर किसी व्यक्ति का सबसे पहला जो एजेंडा इशू है वो तो बांके बिहारी जी के दर्शन है। वो रात किए तो आज ही अपना वन संरक्षण जो मयूर संरक्षण केंद्र है इसमें पौधारोपण किया और यहाँ DFO साहब ने एक अच्छा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने का एक प्रस्ताव है। साथ श्रद्धालु हमारे आते हैं ताकि वो कुछ समय व्यतीत करें, कैंटीन हो जाए, पार्क डेवलप हो जाए, तो उसी पर थोड़ा चर्चा हुई है और प्रयास ये करते हैं कि वो कृषि प्रदान हो जाए और एक अच्छा पार्क है। ब्रज मंडल में वन विभाग की जगह बहुत है लेकिन हज्ञा जी की जगह दब जरूर रही है भूमाफियाओं के द्वारा, लेकिन सरकार द्वारा उसका सदुपयोग नहीं किया जा पा रहा। काफ़ी ज़मीन जो है कब्जा मुक्त कराई है क्योंकि आपके यहाँ यमुना जी जाती हैं और रिवर बैंक पर तो ये बड़ा साधारण सी बात है क्योंकि यमुना अपना स्थान छोड़ती है तो जगह है, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों ने मिलकर कितने गांवों में खाली कराई है, पांच गांवों में खाली हुई और जहां भी है आप समझिए ये तो साधारण से कब्जे हैं। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ऐसे कब्जों से वन की ज़मीन मुक्त की है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मुजफ्फरनगर में चिल्ला दरगाह हम लोगों ने खाली कराई है और बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेज हैं तो लगे हुए हैं। अब ये नहीं कह सकते कि हम प्रत्येक हमारी हर इंच भूमि हमारी खाली होगी। तो श्रद्धालुओं को ये वन कब दिखाई देगा वृंदावन, यहाँ वो बैठ के सकून से बैठ सके और जल्दी जल्दी इसमें प्रयास कर पाएंगे और कृष्णकालीन मतलब यादों को अपनी ताज़ा कर सकते। जी जी भेजेंगे जल्दी जल्दी हो। ये मथुरा वृंदावन बंदरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके निवारण के लिए आपके विभाग को आप समस्या कह रहे हैं। बंदर की जो प्रकृति है, जमीन है, जो नेचर है, जैसे हम मानते हैं कि ये हमारे लिए ईश्वर ने बनाई, ऐसे बंदर भी मानता है।